एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज मैं आपको राग दरबारी में आलाप यानी स्वर विस्तार किस तरह करना है वो बताऊंगा और उसमें किस तरह हमें सरगम को प्रयोग करना है, क्योंकि राग दरबारी जो है वो सीधा चलने वाला राग नहीं है, उसमें वक्रता से चलता है स्वर, आगे जाना पीछे आना इस तरह से उसके सुरों का चलन होता है। अगर उसको हम सीधा सारे गमा बदन सा ऐसे नहीं ले सकते, जबकि उसमें नोट्स गाधानी ये सब कोमल ही लगेंगे, पर उसको सीधा नहीं, सीधा लेंगे तो सारे गमा बदन सा साने दा पा मा गा रे सा जौनपुरी हो जाएगा, ये दरबारी नहीं होगा। दरबारी का चलन दूसरी तरह का है। गा और धा ये दोनों स्वर वक्रता से प्रयोग होते हैं और अंदोलित होते हैं, तब वो दरबारी निखर के आता है। अभी मैं विस्तार करके आपको बताऊंगा कैसे उसको विस्तार करना है आपको और कैसे उसमें बढ़त करनी। जैसे हमने बंदिश कर ली, अलाप कर ली, ताने कर ली, ये सब कुछ कर लिया, अब राग की बढ़त कैसे करनी है, उसमें हम विस्तार कैसे करें दरबारी में कि हमारा वो दरबारी बिल्कुल सही तरह से उतर पाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये मैं शीशा आपसे बता रहा हूँ, तो वीडियो को आप ध्यान से समझे पूरे वीडियो को। मैं इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो दरबारी के जैसे फ्रेजेस क्या है, उसमें रागवाचक स्वर क्या है, न्यास के स्वर क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और उसके साथ विस्तार करना है, तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से राग दरबारी को गा पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो गा स्वर है ये आंदोलित स्वर है और इसमें गा जैसे और भी और राग हम करते हैं उसमें रागों में क्या होता है, कोमल गा लगता है, लेकिन इसमें अति कोमल गा लगता है, उसको हमें आंदोलित करना होता है और उसका झुकाव रे की तरफ ज्यादा रहता है। अति कोमल का मतलब होता है कि गा का जो झुकाव है गा 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 रे सा इस तरह। अब और जब अति कोमल नहीं होता तो गा जो है कोमल वो थोड़ा शुद्ध शुद्ध गा को भी टच करता है, गा ये अति कोमल नहीं हुआ, ये हुआ वो शुद्ध गा को टच कर रहा है, गा माँ को भी टच कर रहा है, लेकिन गा गा और इसीलिए वो जो लेने का उसका जो फ्रेजेस है सारे मा गा मा रे सा गा रे सा सारे गा गा, जब भी गा को लेंगे तो रे की तरफ झुकाव रखेंगे, ऊपर नहीं रखेंगे, सारे गा गा रे और यहाँ पे जो है कभी धानी सा या सानी धापा ऐसे नहीं लेंगे दरबारी में, जब भी लेंगे तो धानी बा बनी धा। वक्र का मतलब होता जैसे हमने लिया मा बनी धा, एक सुर आगे जाकर के फिर वो पीछे वाला सुर लेना और फिर आगे जाना, मा बनी इस तरह। ठीक है, वैसे ही गाका भी हमारा है सारे मा मा पा सारे मा गा पे आए फिर मा पे गए पा, तो ये दोनों वक्र स्वर प्रयोग होते हैं। वक्र का मतलब ही है कि एक सुर पहले हमें पीछे आना फिर एक सुर आगे जाना, सारे मा गा मा पा इसी तरह आपको विस्तार करना है और उसमें बढ़त करनी है। ठीक है, गा और धा ये दोनों वक्र स्वर लगते हैं और इनको वक्रता से ही प्रयोग करना है, कभी भी सीधा नहीं लेना, सारे गमा पदनी सा सारे गा पा मा गरे सा, तो ये आपका दरबारी नहीं, ये हो जाएगा जौनपुरी। जौनपुरी में सीधा जाना है, सीधा उतर के आना है। ठीक है, अच्छा इसमें ये इसके राग वाचक स्वर भी हैं, जैसे सारे मा गा मा रे
ये रागवाचक फ्रेज है राग दरबारी के। सारे मांगा मारे सा मपनी धनी पा मप दीपा, ये भी रागवाचक स्वर है। मप दीपा इस तरह द द द धा, धा पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे। अब बहुत ज्यादा जोर देंगे तो जैसे हमने बताया कि उसका जो जो फील है ना वो नी या इधर सा को टच करेगा, क्योंकि झुकाव दोनों का इधर ही रहना चाहिए तभी वो दरबारी माने जाएंगे। हल्का नी को टच करेगा आपका धा जो है। इस तरह, ठीक है। और इसमें तो ये थी थोड़ी जानकारी। दूसरी चीज क्या है, इसमें हमारे न्यास के स्वर होंगे सा रे और पा। इन स्वरों पे आपको न्यास करना है। जैसे सा रे मा रे सा रे सा, रे पे ज्यादातर अवरोह में ही न्यास होता है, ठीक है। सा रे मा रे रे पे रुकते हुए सा पे हम आएंगे, और सा तो ऑलरेडी न्यास का स्वर होता ही है हर राग का। सा रे मा ग मा पा, पा भी न्यास का स्वर है। मा पा ग ग मी पा मा पा ग मा रे मा रे सा नी सा धनी पा, इधर भी पा पे ही हमें न्यास करना है। अच्छा, इस तरह लेने के बाद में इसका, इसमें जो हमारा दरबारी है, दरबारी में दरबारी, जौनपुरी और अड़ाना, ये तीन राग जो है ये बिल्कुल एक ही जैसे। जौनपुरी में तो जैसे आप सारे गामा बधानी सा ये सीधा लेंगे तो वो जौनपुरी हो जाएगा, पर अड़ाना जो है, अड़ाना और दरबारी ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इनके चलन में बहुत ही जरा सा अंतर है, ठीक है, क्योंकि उससे भी हमें बचना होता है। जब हम दरबारी गा रहे होते तो आपको जौनपुरी से भी बचना है, अड़ाना से भी बचना है। कभी भी आपने सारे गामा पा ऐसे लिया तो वो आपका दरबारी नहीं रहेगा, वो हो जाएगा जौनपुरी। हमेशा आपको वही लेना है, सारे मे सा। वक्रता से ही पूरा राग चलता है दरबारी, ठीक है। अच्छा, अड़ाना की संगति क्या है। अड़ाना में शुद्ध नी का भी प्रयोग होता है, जैसे मा पा, जब धा लेंगे तो नी को टच करेंगे। मा पा दा, यहाँ पे शुद्ध नी लेना आरोह में, अड़ाना में शुद्ध नी लगता है, अवरोह में कोमल नी लगता है, ठीक है। मा पा दा गमा रेसा, ये अड़ाना में भी प्रयोग होता है। उससे अलग होने के लिए बस यही है कि उसमें शुद्ध नी का हम प्रयोग करते हैं आरोह में, तो वो अड़ाना अलग हो जाता है, बाकी चलन हमारे बिल्कुल दरबारी जैसा ही है, ठीक है। दरबारी का देखते हैं। अच्छा, उसमें धा को आंदोलित नहीं करते अड़ाना में, ठीक है। मा पा दा ऐसे लेते हैं, और इसमें मा पा दा नी पा मा पा गा मा।
ये हमारे अराना के स्वर हैं। तो इस तरह आपको विस्तार करना, जैसा कि हमने बताया, बिल्कुल कभी भी सीधे हिसाब से हम स्वर विस्तार दरबारी में नहीं करेंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक तो न्यास के स्वर ध्यान रखने हैं, और दूसरी चीज ये है कि उसको जब भी आप विस्तार करेंगे तो जो आरोह अवरोह आपके पास है, आरोह अवरोह के हिसाब से ही विस्तार कीजिए और उसको खूब बजाइए। जौनपुरी का है इस तरह आपको विस्तार करना है, ठीक है? तो आपका बहुत ही बढ़िया दरबारी में स्वर विस्तार होने लगा। अच्छा, ये चीज जो मैंने आपको बताई, ये कोई एक आध दिन की नहीं है। एक राग को हमें कम से कम 1 महीना रगड़ना चाहिए। जब 1 महीना उसमें हम रगड़ेंगे तो उसकी आरोह अवरोह पकड़ बंदिश और आलाप ताने ये सब सही तरह से हो पाती है और उसमें विस्तार भी हो पाता है। उसमें हमें काफी काम करना चाहिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा उस राग में आप घुसेंगे, उतना ही उससे आपको लाभ होगा। कोई भी चीज हम थोड़े प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो उससे हमें वो लाभ नहीं हो पाता जो हमें होना चाहिए। इसलिए हमें एक राग भले ही हमको मिले, लेकिन उस एक राग पे आप काम कीजिए। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा, जैसे हमने लिया, हमारा जो म्यूजिक लेने का तरीका होता है गानों में, वो भी वक्रता से ही चलता है ज्यादातर। म्यूजिक में आप देखिएगा, हम ज्यादातर म्यूजिक में दोनों गा यूज किए जाएंगे, दोनों सॉरी दोनों नी यूज किए जाते हैं, दोनों धा यूज किए जाते हैं। वो उस तरह से ही उसको तैयार करना होता है हमको। और फिर म्यूजिक जब बजाते हैं तो म्यूजिक को सुंदरता बढ़ाने के लिए हमें कई सुरों का भी प्रयोग करना होता है। म्यूजिक इसीलिए कभी एक राग में नहीं होता, ठीक है? तो इसको खूब प्रैक्टिस करें। बाकी आप बंदिश ताने आलाप इस तो सब करी चुके हैं, इसको भी करें और इसमें बढ़त करें। इसको जैसे हमने बताया, इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें खूब, और खूब इसको स्पीड बढ़ाएं, ठीक है? निजरे सा निजरे मारे मांगा मारे सा और ये जो चलन है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो दरबारी कभी आपका नहीं बिगड़ेगा, ठीक है? और अगर आप सीधा बजाना चाहते हैं तो सीधा भी बजा सकते हैं, वो आपका जौनपुरी हो जाएगा। उसमें आपके हाथ की स्पीड अच्छी बढ़ सकती है। सारे गा पा म ग म प ग प ग प म प म ग म प ग न न स न स न ग न ग प ग न ग प ग प म प म ग म प म ग म ग रे ग रे सा रे सा नि सा नि सा नि सा रे सा रे सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा दा नि सा नि सा रे सा रे सा नि सा रे सा ये हमारा जौनपुरी हो जाएगा। जौनपुरी की तरह से हम अपने हाथ की स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन दरबारी जब करेंगे तो दरबारी का जो आलाप उसी तरह करना जैसे बताया है।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।